ट्रेजेक्टरी बना रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। अब चलते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं दिवाली से दिवाली तक की सीरीज में, गोल्डिलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटजिस्ट गौतम शाह। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और आवाज़ पर पहली बार मेरी आपसे बात हो रही है तो जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू अनुज, आप सबको भी हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? धनतेरस पे नॉर्मली कुछ बाय करते हैं, नॉर्मली तो चांदी का सिक्का बाय करते हैं, खैर लेकिन स्टॉक मार्केट वालों के लिए तो स्टॉक्स ही चांदी के बराबर है, तो क्या क्या बाय कर रहे हैं आप इस धनतेरस पर? नहीं, जैसे आपने ठीक कहा, आई थिंक स्टॉक मार्केट ही नई चांदी हो गई है। आई थिंक जिस तरह का लिक्विडिटी एंगल है और जो इतने बड़े बेयर मार्केट से हम गुजरे हैं एक साल में, और उसके बाद भी अगर SIP फिगर 13,000 करोड़ है, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए। क्योंकि एक साल पहले जब हम 18,000 के आसपास थे तो लोगों का ये कहना था कि एक करेक्शन जब आएगा तो ये SIP नंबर्स चले जाएंगे, बट आई थिंक इसने इंडिया को प्रिटी मच बचा के रखा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से इतने खराब स्पेस में थी और उसके बावजूद आई थिंक हम एक कंसोलिडेशन रेंज में रहे। सो 2020 और 2021 को जो इतनी बड़ी रैली आई थी, आई थिंक कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट ओवरडन था, सो एक बड़ा कंसोलिडेशन जरूरत था। सो पिछले दिवाली से इस दिवाली हुआ क्या है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में थी और उसने पूरे जो 2 साल का तेजी है उसको उसको डाइजेस्ट कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि अब आई थिंक एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया है मार्केट को यहाँ से वापस चलने के लिए। सारे जो नेगेटिव्स हैं वो डिस्काउंटेड हो चुके हैं। इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, नो डाउट अबाउट इट। और जिस तरह की प्राइस एक्शन रही है पिछले 1 महीना में, मुझे लग रहा है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। सो हम 17,500 देख रहे थे और लास्ट एक हफ्ते में जिस तरह से ये नंबर क्रॉस हुआ है और जिस तरह से इंडिया विक्स गिरा है, मुझे लग रहा है कि अब 18,000 18,100 वापस बहुत वेरी सून आ सकता है। बट अगर आप दिवाली से अगली दिवाली की बात करें तो हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो है 20,400, और मुझे लग रहा है कि अगले दिवाली तक हम उस लेवल तक चले जाएंगे। ओके, देखिए 40,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में और 200 पॉइंट ऐड कर लिए, अब 40,700 बैंक निफ्टी, 1.5% का मूव इस समय निफ्टी बैंक में आता हुआ, क्या ज़बरदस्त मूव है। और खुलने के बाद भी अगर आपने लिया, कल तो जिसने लिया उसकी तो चांदी है, लेकिन खुलने के बाद भी अगर आपने लिया तो अच्छा मूव मिल रहा है, ये तो मैसिव। गौतम, ये तो एक ट्रेडर्स डिलाइट है ये इंडेक्स, और क्या ज़बरदस्त मूव आ रहे हैं, इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? देखिए, जब भी बैंक निफ्टी अच्छा करता है मार्केट का एक टेक्सचर ही अलग हो जाता है। हमने ये बिल्कुल सालों में देखा और पिछले 2 महीने में आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, उसके कारण ये निफ्टी में ये करेक्शन आई और ये कंसोलिडेशन हुआ, क्योंकि मार्केट में लीडरशिप नहीं था। और अब क्या हो रहा है कि वापस बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ले लिया है और जिस तरह से ये 44,500 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये वापस लाइफ टाइम हाई पे चला जाएगा धीरे धीरे। सो हमारा वर्किंग टारगेट है 42,000 to 42,500, उसके ऊपर भी जा सकता है, बट एक स्टॉप ओवर पॉइंट है जहां पर हम रिव्यू करेंगे। सो बैंक्स में लीडरशिप वापस आ चुकी है और जो IT इंडेक्स जिस तरह से पिछले 2-3 हफ्तों से स्टेडी था, मुझे लग रहा है कि वहां पर भी 28,500 के ऊपर ब्रेकआउट आने ही वाला है। और मिड कैप आईटी के जिस तरह से रिजल्ट्स आए थे, चाहे वो कोफोर्ज हो या परसिस्टेंट हो, आई थिंक दिस इज अ बिग बिग ट्रिगर और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो इस दिवाली से अगले दिवाली को अगर आपको कोई बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेड चाहिए तो उसमें IT में जाइए और पर्टिकुलरली मिड कैप IT में जाइए, आई थिंक वहां अच्छे रिटर्न बनेंगे। ओके, तो आपने अगर आप देखें, मैं इनफैक्ट गौतम जी, आप यकीन मानिए निफ्टी IT पे आने ही वाला था, लेकिन अब मैं दोबारा पूछूंगा तो शायद ये रिपीट हो जाएगा, मैं इसे स्किप करता हूँ। अभी आपने 42,500 ऑन बैंक निफ्टी की बात कही गौतम, इस बार और पिछले बार के स्विंग में अंतर यह है कि इस बार सुपर कमांडिंग पोजीशंस में विद स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आपका PSU बैंक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लुक एट कैनरा बैंक, लुक एट BOB, लुक एट SBI। PSU बैंक्स को आप कैसे देख रहे हैं आप? नॉट, मैं इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, इन आइसोलेशन PSU बैंक्स को कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त चार्ट के लिए? रेन जी, पिछले 6-8 महीने से हमारा ये मानना रहा है कि PSU जो थीम है ऑन एन ओवरऑल बेसिस, ये एक डार्क हॉर्स थीम है, क्योंकि ये अंडर ओन्ड है। पिछले 10 साल से अगर आप देखें तो इसमें कोई पॉजिटिव एक्शन कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं रही है, और ये जिस तरह का एक्शन रहा है पिछले 6 महीनों में, आई थिंक देयर इज अ बिग स्ट्रक्चरल चेंज दैट हैज हैपेंड एंड द स्टॉक मार्केट्स आर रियलाइजिंग दैट। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन PSU बैंकिंग और PSU स्पेस एज अ होल। जैसे आपने करेक्टली कहा, आई थिंक SBI, कैनरा बैंक और BOB हमें अच्छा लगता है, और यहाँ से ये 20-30% की रिटर्न आराम से दे सकते हैं। SBI तो एक पोस्टर बॉय रिटर्न यहाँ से दे सकता है, और बाकी के PSU को भी अगर आप देखें तो आई थिंक इंडेक्स में भी यहाँ से 20-25% की तेजी है। तो बाकी के PSU स्टॉक्स में
अगर मुझे एक स्टॉक पिक करना हो तो वो कोल इंडिया है। मैं हर चैनल पे जब भी आता हूँ, आपके चैनल पे जब भी मैं आया 3-4 महीनों में, मैंने हमेशा इसके बारे में कहा। तो ये सब स्टॉक्स में ध्यान दीजिए, ये सब क्या अंडर ओन्ड है, डिविडेंड यील्ड है, सेफ्टी है, अर्निंग्स है, टेलवेंड्स है, सारे फैक्टर्स आपके फेवर में है। और ये दोनों सेक्टर्स को छोड़ के अगर दो सेक्टर्स जो हमें अच्छा लगता है वो है रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स अगर आपको प्ले करना है तो L&T के थ्रू प्ले कीजिए, रियल एस्टेट आपको प्ले करना है तो DLF के थ्रू प्ले कीजिए। सो मैंने आपको अभी 5-7 नाम दे दिए हैं जिसके थ्रू अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इस दिवाली से अगले दिवाली तक आपका अच्छा रिटर्न बनना चाहिए। ओके गौतम जी, आपने जब कहा कि मैं रियल स्टेट को प्ले करना चाहता हूं और रियल स्टेट को आप DLF के थ्रू प्ले करिए, हमारे इसी मंच पे जो और विशेषज्ञ भी आए और आज ही नहीं, इनफैक्ट CY20 के बाद पोस्ट कोविड उन्होंने एक थीम को और खेला, होम इम्प्रूवमेंट। लुक एट सेंचुरी प्लाई, पिछले 3 साल में क्या पैसा बना के दिया। हम पॉली कैप को देख रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, स्टॉक ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री। ये सेगमेंट, इसमें कोई स्टॉक आपके जहन में आता है व्हेन यू से रियल स्टेट? आप सीधे अगर आप देखिए रियल स्टेट कंपनी पिक कर रहे हैं, बट ये होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट पे कोई स्टॉक आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस वक्त? हाँ देखिए, एनीथिंग टू डू विद रियल एस्टेट प्रॉक्सी आई थिंक अच्छा करेगा, और ये ट्रेंड पिछले 6-8 महीनों से जारी है, यहाँ भी चलेंगे। बट काफी स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग ही रह गए, यू नो, उसमें कोई रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेड नहीं है। बट अगर मैं एक स्टॉक पिक करना चाहूंगा जो रियल एस्टेट प्रॉक्सी है तो वो है कजारिया सिरेमिक्स। आई थिंक हमने पिछले 2-3 महीनों में एक बार इसको कवर भी किया था, और सॉलिड कंपनी है, ग्रेट ब्रांड, चार्ट्स गजब के हैं इसके। अगर आप लॉन्ग टर्म के चार्ट देखें तो अगेन, अगर आपका 1 साल का व्यू है तो कजारिया सिरेमिक्स और पॉली कैब ऑब्वियसली आई थिंक आर ग्रेट स्टोरीज टू प्ले फॉर। ओके ठीक है, कजारिया सिरेमिक्स और पॉली कैब, मार्केट में तेजी बढ़ती जा रही है 17,645, और बैंक निफ्टी में आज वो ट्रेंड है, आज लग रहा है कि बैंक निफ्टी, इनफैक्ट आज मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 1,000 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में दिख जाए तो। 650 पॉइंट ऊपर है अब, और अब करीब करीब, क्योंकि उसके 2-3 रीज़न है। कल जिस तरीके से मार्केट में एक डिक्लाइन आया था और कल एक्सपायरी रिलेटेड फॉल था मार्केट में, उसके बाद नॉर्मली फ्राइडे को अगर मार्केट प्रीवियस डेज हाई निकाले तो मैसिव मूव आता है इसमें। तो तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी आज एक 4-डिजिट मूव लगाने के लिए, तो ज़बरदस्त मूव इसमें इस समय आता हुआ। अच्छा गौतम जी, एक और सेक्टर जहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे मूव देखे, वो पूरी की पूरी डोमेस्टिक थीम से रिलेटेड है, वो है सीमेंट। और इनफैक्ट सीमेंट के साथ साथ मैं ऑटोज भी जोड़ना चाहूँगा इसमें, ये दोनों के दोनों प्योर डोमेस्टिक प्लेज हैं। इनमें आपको क्या अच्छा लगता है, कहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? देखिए, सीमेंट और ऑटो में हमने डाइवर्जेंट मूव्स देखा, तो कुछ स्टॉक्स है जो अच्छे कर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स है जो कुछ कर ही रहे नहीं है। आई थिंक अगर आप ऑटोज में देखें, M&M को आप टाटा मोटर्स से कंपेयर कीजिए, आई थिंक कंप्लीटली डाइवर्जेंट मूव्स। और हमें अभी भी M&M और मारुति अच्छा लगता है, और लगता है कि यहाँ से उसमें भी 20-30% की तेजी आ सकती है। तो ऑटो इंडेक्स आई थिंक अभी भी स्टेडी है चार्ट्स पे। और सीमेंट में देखें तो आई वुड स्टिल गो विद अंबुजा एंड ACC। आई थिंक इसमें जो चेंज हुई है पिछले 2-3 महीनों में, उसके बाद चार्ट्स ही अलग लग रहा है, आई थिंक वो हमें क्लियर विजिबिलिटी है। तो अंबुजा ACC अगर आपको 1 साल के बेसिस पे अगर आपको लेना है तो आई थिंक वो पूरा सीमेंट इंडेक्स को और हो सकता है निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर दे। बाकी के स्टॉक्स भी अच्छे हैं, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, बट देन उतना यू नो गजब का चार्ट नहीं है जो ACC और अंबुजा का है। तो यहाँ पर कमिटमेंट बनाइए, अगर बाजार चलेगा तो ये दोनों स्टॉक अच्छा करेंगे। ओके ठीक है, ACC और जबरदस्त मूव इस समय आता हुआ इसमें। फार्मा में कुछ लग रहा है आपको गौतम? क्योंकि फार्मा ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ऑफ लेट सिप्ला को छोड़ दें अगर, तो सिप्ला का एक अलग चार्ट रहा है, ऑफ लेट थोड़ा सा मूव आना शुरू हुआ है फार्मा में भी, कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर? हाँ जी, फार्मा पिछले 15 महीनों से एक बेयर मार्केट में रही है, बट ये जो लास्ट 2-3 महीने का जो मूव रहा है, मुझे लग रहा है कि दिस इज बेसिंग और एक फाउंडेशन बन रहा है तेजी का। कोई इमीडिएट क्लियर ट्रिगर्स नहीं है, बट गिने चुने स्टॉक्स है जो सेटअप अच्छे कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रैन्यूल्स को लीजिए, सन फार्मा को लीजिए, FDC को लीजिए, सिप्ला तो है ही है, तो ये जो 4-5 स्टॉक है आई थिंक यहाँ पर अच्छी तेजी के इंडिकेशंस ऑलरेडी चार्ट्स पे आ चुके हैं। और बाकी के जो अंडर परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो ग्लेनमार्क हो, अलेम्बिक हो, एल्केम हो, ये सब में अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन फार्मा, बट ओवरऑल बेसिस पर अगर आप इंडेक्स चार्ट को देखें तो लगता है कि वर्स्ट इज ओवर, और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है, क्योंकि 5-7% का इंडेक्स का गिरने का पोटेंशियल है और अपसाइड पोटेंशियल 15-20% का। तो मैंने जो 4-5 नाम लिए उसमें फंडामेंटल टेक्निकल्स के दोनों ट्रिगर्स है, उसमें कमिटमेंट बनाइए। ये फार्मा का जिक्र हो गया। अच्छा गौतम जी, बात है कैसे स्पेस जो कि
अभी भी हाई ट्रेजेक्ट्री में टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ से भी किसी बड़े मूव की तैयारी हो रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल्स, लुक एट SRF, लुक एट टाटा केमिकल्स, ये अभी भी हाई ट्रेजेक्ट्री में काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, अभी केमिकल बास्केट में आप लोग क्या चेज कर रहे हैं या फिर क्या चेज करने की राय देंगे? देखिए, केमिकल बास्केट थोड़ा सा ग्लोबली लिंक्ड है और जिस तरह की अभी हम दुनिया में लिव कर रहे हैं, यू नो, थोड़ा सा बोलना डिफिकल्ट है कि अगले 6 महीना से 12 महीने में दुनिया का क्या हाल होगा, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है दुनिया में। सो एनीथिंग दैट इज सो लिंक्ड टू ग्लोबल मार्केट्स, आई थिंक हमें थोड़ा सा उससे दूर रहना चाहिए। यस, इसकी कई बार एडवांटेजेस भी होती है, बट अगर हम चार्ट्स को देखें तो लग रहा है कि केमिकल्स में जो 2 साल की तेजी आई है वो मोर और लेस डन है, तो यहाँ से कोई बड़ी तेजी नहीं लगती है। स्टॉक्स रेंज में रहेंगे, दे विल कीप रिविजिटिंग देयर लाइफटाइम हाइज, बट कोई मेगा मूव यहाँ से नहीं लगता है। बट अगर एक और सेक्टर है जो हमें अच्छा लगता है वो है अनलॉक ट्रेड। हम पिछले 6 महीने से इसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो होटल्स हो, QSRs हो, ट्रैवल कंपनीज हो। आई थिंक ये मेरे हिसाब से एक ऐसा सेक्टर है जो अगले 1 साल में अच्छा रिटर्न दे सकता है। पिछले दिवाली हमारा दिवाली पिक था इंडियन होटल्स, और मुझे लगता है कि इस दिवाली से अगले दिवाली भी अगर आप इंडियन होटल्स लेंगे तो हो सकता है कि आपको 30-50% की रिटर्न मिल जाए। सो होटल्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और QSR स्पेस में देवयानी और सफायर हमें काफी अच्छा लगता है। आई थिंक सॉलिड ब्रांड्स है, हम सब उसको जानते हैं, समझते हैं, उसको यूज करते हैं, और चार्ट्स दोनों के अच्छे हैं। तो आई थिंक अगले 1 साल में अनलॉक थीम और जो मैंने ब्रॉडर थीम बताया है इसमें आप यू नो आप निवेश कर सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल आपकी स्क्रीन पे, और साथ ही साथ अगर आप देखें इंडियन होटल्स, तो वाकई इंडियन होटल्स का तो ड्रीम रन रहा है, इसमें कोई राय नहीं है। अच्छा, एक स्पेस और अभी गौतम जी, बैंक्स में बहुत आपका एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, कमांडिंग पोजिशन में आप बैंक्स को देख रहे हैं। व्हाट अबाउट NBFCs, B2? हमारे पास कुछ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज भी हैं, HFCs भी, HDFC, यहाँ पर आप लोग क्या एग्जैक्टली चेस कर रहे हैं या फिर चेस करने की राय देंगे? NBFCs आर हाई बीटा एंड दे आर टू वोलेटाइल। मार्केट में कुछ भी करेक्शन आती है सबसे पहले NBFCs गिरते हैं, सो NBFC से दूर रहना चाहिए। आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स है, दे आर फार बेटर। अगर आप ICICI, SBI, फेडरल, कोटक और इवन एन HDFC बैंक एट दीज प्राइसेस, आई थिंक दे आर फार सेफर एट दीज लेवल्स टू इन्वेस्ट इनटू। सो NBFCs, यू नो, मेरे सबसे ज्यादा वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। सो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट या अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट इस लेवल्स पे नहीं करनी चाहिए। गौतम, तो एक जाते जाते कोई एक रॉकेट स्टॉक बताते जाइए दिवाली के लिए जो आपका सबसे फेवरेट है इस समय। देखिए, ऐसे तो दो स्टॉक में नाम लेना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि यहाँ से काफी अच्छा कर सकते हैं अगले 3-6 महीनों में। एक तो है रेडिको खेतान। आई थिंक इतनी बड़ी मिड कैप में करेक्शन आई, बट उसके बाद भी रेडिको जैसा स्टॉक है जो एकदम खड़ा रहा और कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से बड़ी तेजी मिलनी चाहिए। और सेकेंडली ग्रेविटा, तो ये भी एक मिड कैप कंपनी है, इसमें काफी बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है और फंडामेंटल्स और चार्ट्स दोनों अच्छे हैं। तो रेडिको और ग्रेविटा आई थिंक एज अ पोजिशनल 3-6 month बेट मेरे हिसाब से काफी अच्छा कर सकते हैं। रेडिको खेतान आपकी स्क्रीन पे 1054 पे ट्रेड करता हुआ, यस आपकी स्क्रीन पर 1053 इन फ्रेम, और ग्रेविटा करीब 1580 पे। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए इस दीपावली के पर्व पर, धनतेरस के पर्व पर, और एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को, आपके क्लाइंट बेस को और साथ ही साथ आपके परिवार को शुभकामनाएं। आपकी स्क्रीन पर इंडेक्सेस करीब 17648, निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब 40